भले ही पेड़ पौधों और जंगलों की सुरक्षा की हरेला पर्व और विश्व पर्यावरण दिवस पर कई प्रतिज्ञाएं ली जाती हों, लेकिन पेड़ पौधों का अवैध कटान का कारवां लगातार तेजी से फलता फूलता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत पोखरी कार्यालय के ठीक सामने की, जहां पर आज से 2-3 दशक पहले से एक बांज का हरा पेड़ था, जिसको 2-3 दिन पहले अवैध कटान करके पेड़ की जड़ में अब आग भी लगा दी गई। लेकिन जब इस मामले पर नगर पंचायत पोखरी से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये वन विभाग का मामला है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी प्रमोद गौड़ का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 3 दिन हो गए और मुख्य चौराहों पर ऐसे पेड़ काट दिए गए हों, तो क्या दुरस्त जंगल के पेड़ सुरक्षित रह पाएंगे और क्या उन दोषियों पर भी कोई कार्रवाई होगी।